नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड फोर्थ, एनवायरमेंटल स्टडीज, चैप्टर नंबर 4, द स्टोरी ऑफ अमृता। ओके, सो अब तक हमने अमृता के बारे में पढ़ा, राइट, कि वो विलेज के पीपल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, पीस को बचाते होंगे, वो हक कर लेते हैं ना पीस को, सो वो मर जाते हैं। ये किंग को पता चलता है कि ओ माय गॉड, व्हाट अ सैक्रिफाइस फॉर ट्रीज, जो सैक्रिफाइस ट्रीज के लिए विलेज के पीपल ने किया है, दैट इज हैट्स ऑफ, राइट। सो लेट मी गो टू द डीप, व्हाट हैपेंड, सो किंग खुद आते हैं वहां पे। नाउ अब हम ये सेशन में देखते हैं क्या है, क्या हुआ। सो द विलेज इज प्रोटेक्टेड, राइट, आपके टेक्स्ट बुक में यहां से हमने स्टार्ट किया है, द विलेज इज प्रोटेक्टेड, राइट। तो वो सुरक्षित, अब राजा को सब पता चला कि ओ माय गॉड, ये कैसे पीपल्स हैं विलेज के, कितने फीलिंग्स वाले हैं ये पीपल्स ट्रीज के प्रति, कि उन्होंने ट्रीज नहीं काटने के लिए खुद की कुर्बानी दी, राइट, अमेरिका में उसके डॉटर्स में एंड द रेस्ट ऑफ द विलेजर्स। सो द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, उसको बहुत ही छू गया है कि ओ माय गॉड, इतनी फीलिंग्स ट्रीज के प्रति। ही ऑर्डर दैट फ्रॉम, उसने बाद में हुक्म कर दिया, ऑर्डर कर दिया, लाइक व्हाट, देन ऑन नो ट्रीज विल बी कट। सो ऑब्वियसली अगर पीपल उनकी जान देते हैं इसके लिए, तो ऑब्वियसली वी शुड नॉट कट द ट्रीज एंड नो एनिमल्स विल बी हार्म इन दैट एरिया, और कोई भी एनिमल्स को कोई भी नुकसान नहीं करेगा, यानी कि हार्म नहीं करेगा, कोई भी किल नहीं करेगा, मारेगा नहीं, राइट। ये इनका ऑर्डर था उसके बाद जब उसने देखा कि विलेजर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ट्रीज के प्रति, एनिमल्स के प्रति, तो उन्होंने ऐसा ऑर्डर किया कि अब से देन एंड नाउ ऑन नो ट्रीज विल बी कट एंड नो एनिमल्स विल बी हार्म इन दैट एरिया इवन टूडे। अब आज अगर आप वहां पे जाओ ना, तब भी अगर आप देखो ऑलमोस्ट 300 years पास, 300 साल पास हो गए हैं, द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोईस, राइट। बिश्नोईस का मतलब क्या होता है, एक जाति होती है राजस्थान की, जैसी हमारी पटेल है उसमें हिंदू है, राइट, उसमें वैष्णव क्षत्रिय, राइट, सो वैसे ही बिश्नोईस राजस्थान की कास्ट है, जाति है, राइट। सो तब से वो लोग कैसे जाने जाते हैं, बिश्नोईस, राइट, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को वो प्रोटेक्ट तब से करके आए हैं कि अब भी आप अगर वहां पे जाओ तो देयर ट्रीज हार्मिंग ट्रीज एंड एनिमल्स दे आर बैन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, यानी कि मिडल ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के बीच में, द एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रूम अबाउट फ्री एंड विदाउट एनी फियर, यानी कि यहाँ पे जो एनिमल्स वो विदाउट फियर घूमते हैं, उनके लोगों को पता है कि ये जो मेरे गांव के लोग हैं, मेरे गांव के पीपल्स है, विलेजर्स है, वो हमें कुछ भी हार्म नहीं करेंगे, राइट। एंड इवन द प्लांट्स वो कट भी होते हैं, तो ऑब्वियसली ग्रीनरी ज्यादा है वहां पे, राइट, तो एरिया जो है वो पूरा ग्रीन कवर्ड एरिया है, बिकॉज ऑफ अ प्लांट्स दे आर नॉट हार्म बाय द इन पीपल्स एंड एनिमल्स रोम फ्रीली, यानी कि डर के बिना वहां पे घूमते हैं। इसी हिसाब से आपको वहां पे देखना होगा कि लायन चीता सब कुछ देखने मिलता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कोई भी हमें मारने वाला नहीं है, राइट। अगर आप देखो तो कहीं और जगह पे कैसा होता है, एनिमल्स को मारते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्किन, बिकॉज ऑफ देयर हेयर, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन, बट इन दिस विलेज इट इज नॉट हैपन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी विथ सम क्वेश्चंस। नाउ राइट अबाउट एनी वन ट्री, राइट, हमें एक ट्री के बारे में लिखना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेम ऑफ द ट्री, कौन सा ट्री के बारे में आप लिखेंगे, तो मैं लिखने वाली हूँ मैंगो ट्री,
right? So I have to name over here, that is mango tree. Does the tree have flowers? जो मैंने tree select किया है उसको flowers है, तो yes. Which color? तो yellow, right? Yes, the tree has flowers, they are yellow colored. Now the third question. Do the flowers remain on the tree throughout the year? क्या flowers throughout the year रहते हैं tree के ऊपर? No, मैंने जो tree पसंद किया है that is the mango tree. The flowers do not remain on the tree throughout the year because the flowers were converted into fruits. Now let's see further. In which month do their leaves fall? Kab iska leaf fall hota hai? To mera tree, that is the mango tree, the leaves falls during the month of January and February. Right? Then, do fruits grow on the tree? Write their name. Yes, fruit grow on the tree. Their name is mango. This is a mango tree. Right? Now, let's see next question. In which month do the trees have fruits? अब कौन से महीने में fruits आते हैं? Right? तो fruits grow on this tree during March and April. आप सबको पता है March and April is the season of mango. Right? Let's see further. Have you eaten this fruit? How do they taste? Oh my God, I like this fruit. I have eaten this fruit. They are sour when raw. खट्टे होते हैं, right? Mango. जब कच्ची होती है तब कच्ची mango, वो आप खाते हो ना कच्चा बाइट, तो वो कच्चे आम की जो टेस्ट होती है वो सौर होती है, खट्टी. बट वेन इट गेट्स राइप दे आर स्वीट इन टेस्ट, राइट? तो ये जो मैंने मेरे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं वैसे ही आपको, अगर आपको और कोई ट्री पसंद हो तो उसके बारे में ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं. आई होप सबको यहाँ तक पता चल गया. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.